अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, राजीव भवन में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। कानूनी जानकारियां देकर महिला सशक्तिकरण के जागरूक प्रयास, विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला अधिवक्ता संघ द्वारा संगोष्ठी। भारत मंगल भवन में महिला दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम योजनाओं की दी गई जानकारियां। और संगोष्ठी में बुद्धिजीवियों ने व्यक्त किए विचार, महिलाओं के जीवन पर सोशल नेटवर्किंग साधनों के प्रभाव पर चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं का सम्मान किया गया। राजीव भवन में आयोजित सम्मान समारोह में शॉल शरीफत प्रदान करते हुए अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, सीएम कमलनाथ के निज सचिव संजय श्रीवास्तव, जिला संगठक सेवादल सुरेश कपाले और महिला सेवादल नगर अध्यक्ष रानू सोनी सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। रक्षा मंत्री जो बनी वो श्रीमती इंदिरा गांधी, महिलाओं ने हमेशा योगदान दिया है। आज के इस दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश और दुनिया में महिलाओं के योगदान के बारे में वक्ताओं ने बहुत ही संक्षेप में आपके सामने बात रखी। हम सब भी अपने छात्र जीवन से लेकर और अभी तक इस समाज में महिलाओं के योगदान को हमने देखा भी है, समाज में रहते हुए उसको समझा भी है। अगर हम लोग आपके बारे में बात करें, अभी लगभग संक्षेप में बात करी गई, लेकिन लगभग सभी विषय यहाँ पर छुए गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पे गर्व भी है, खुशी भी है कि पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में छात्राओं और महिलाओं ने, जो बहन रेशमा ने कहा है वो बात सच है। अब उसकी प्रेरणा स्रोत चाहे सुरेश कपाले जी हो, चाहे रेशमा खान जी हो, चाहे सामाजिक तौर पर उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी मिथिलेश शुक्ला जी या अन्य लोगों ने उठाई हो, लेकिन सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समाज अपने आप विभिन्न रूपों से बहुत ही स्वस्थ और सबल स्वतः होता चला जाएगा। ये बात पौराणिक रूप से ही सत्य नहीं है, ये एक वास्तविक है कि जिस समाज, जिस देश, जिस स्थान में महिलाएं मजबूत स्थिति में नहीं होंगी, उनका सम्मान नहीं होगा, वो समाज, वो देश, वो स्थान कभी भी मजबूत नहीं रह सकता। इसके बाद मिथिलेश शुक्ला जी से मैं निवेदन करूंगा। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा रेशमा खान जी, जो कि हमारे जिला कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष हैं, रेशमा के लिए जोरदार ताली। इसके बाद हमारी नगर अध्यक्ष रानू सोनी से निवेदन है, वो आए, जोरदार ताली रानू के लिए। रितु रेवतकर आए और अपना सम्मान यहाँ से लेके जाए। रितु रेवतकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। जानते हैं।
भारत मंगल भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासन की योजनाओं की जानकारियां प्रदान की गयी। कार्यक्रम में डीपीओ कल्पना तिवारी और महिला सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका बिसेन सहित विशेषज्ञों ने जानकारियां प्रदान की। तो उससे ये आता है समस्या कि हर परिस्थिति में उनको एक दबाव वाला जीवन जीना पड़ता है। फिर उस वर्ग का जो पुरुष वर्ग है वो भी उतना संवेदनशील नहीं रहता है, क्योंकि विकसित नहीं हो पाती है, तो उसके कारण उसको इन चीज़ों को वो और नहीं समझ पाता है अधिकारों से। तो सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है
इस वर्ग के लिए है, मध्यम वर्ग में थोड़ी बेहतर कंडीशन है, लोअर वर्ग में तो लगभग हर घर में, मेरे सामने तो जो केसेस आते हैं उससे तो मुझे समझ में आता है कि लगभग हर घर में समस्या है, घर हर घर में, कोई भी ऐसा घर बहुत सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से, आत्मसम्मान की दृष्टि से, सभी स्थितियों में कम करना, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है हम लोगों को, और इस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे वन स्टॉप सेंटर एक नई पहल है विभाग के अंतर्गत, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत प्रभावशाली कदम है भारत सरकार की तरफ से, कि जो प्रताड़ित महिला किसी भी कंडीशन में हो उसको एक ही प्लेस पे सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे आश्रय सुविधा हो। प्लीज आप लोग ध्यान रखना, हो सकता है आप लोग को इन चीज़ों की जरूरत पड़े, ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। मैं स्त्रियों के लिए दो लाइन कहना चाहती हूँ कि स्त्री की परिभाषा करना इतना आसान नहीं है, ये समझ लो कि वो फर्ज पे कुर्बान है। इतना कहती हूँ, आप लोग यहाँ पर सब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ये महिलाओं में एक जागरूकता लाने की जरूरत है। आज हमारा समाज, हम महिलाएं पिछड़ के होगी, पिछड़े पर ही वैसे बहुत आगे हैं, पुरुषों से तो बहुत आगे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, मगर फिर भी एक सोचने वाली बात है, महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। हम ये समझाना चाहते हैं, चाय बना के बिस्तर पे देनी ही पड़ती है ना, आज भी उनका उठना 9 बजे 8 बजे आज भी होता है, जब तक मेरा कितना काम हो जाए, है ना। तो हम जो भी काम काजी है वो दो लोगों का काम एक साथ कर रही है, तो शक्तिशाली कौन है घर, कौन है? आप लोग बहुत हिम्मत ही मैं बात कर रही हूँ, महिलाओं से लेके आई हूँ, उनका उत्साह देखने लायक था, और वहाँ पे ये बात भी हुई कि कृषि के क्षेत्र में आगे आ गई। आप खुद सोच के बताइए, क्या कृषि में महिला पहले नहीं थी? वो तो सुबह उठती है गांव की महिला, सबसे पहले जानवर बाहर करती है, वो जानवरों का कोठा साफ करती है, उसके बाद उनको जो कुछ चारा पानी देना है वो भी दे देती है, पानी पिला देती है, फिर सफाई करने के बाद अपना चौके की सफाई भी करती है, फिर चाय बनाती है, फिर पति को उठाने का, ठीक से आप भी उठ जाइए चाय बनाइए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चाय पी, थोड़ी देर इधर उधर किया, गप सड़ाकर खाना नाश्ता जो करना वो किया, वो खेत चले गए, हम किसान की बात कर रहे हैं, वो खेत चले गए, पीछे से फिर महिला ने खाना भी पूरा बनाया, बच्चों का भी व्यवस्था किया, घर में सब किया, फिर उसका खाना लेके खेत चली गई। अब क्या खेत जाने के बाद वो बैठी रहती है? श्री नारायण सोसाइटी फॉर वीमन एजुकेशन द्वारा महिला दिवस के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन खास रहा। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि वक्ताओं ने मौजूदा दौर में सोशल मीडिया और संचार माध्यमों का महिलाओं के व्यवहार तथा स्वास्थ्य विषय पर साफ गोई से अपने विचार रखे। जब तक हम सशक्त नहीं होंगे तब तक यह ध्यान रखें कि जहां पर भी हम हैं वहां पर महिला जाति, महिला संवर्ग, इनकी कितना ज्यादा से ज्यादा सम्मान किया जा सकता है। मैं आप सभी को महिला दिवस पर बधाई देती हूँ। मैडम, कल हम एक कार्यक्रम में थे दैनिक भास्कर के, तो वहाँ पर सभी महिलाओं ने पिंक साड़ी पहनी थी, मैंने भी पिंक पहनी थी, क्योंकि महिला दिवस को हम लोग पिंक डे के रूप में भी मनाते हैं। पर कल जिस वर्ग की महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी उन सब को देख करके ऐसा लगा कि महिला दिवस अब अपने पूरे शबाब पर है, तो हमको हरियाली का संकेत भी देना चाहिए, इसलिए मैंने आज हरी साड़ी पहनी है। बहनों, बहुत खुशी होती है जब हम ये देखते हैं कि हर क्षेत्र में अब महिलाएं अपने कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अभी दोनों ही विचार आए, पर दुख होता है उस वक्त जब आंकड़े आते हैं विश्व स्तर पर कि हमारा भारतवर्ष आज भी उत्पीड़न और हिंसा में, दुष्कर्म में आगे है, जिन देशों पर महिला उन्नति पर प्रश्न उठाए जाते हैं, अर्थात मुस्लिम देशों से भी हमारा देश बहुत आगे दुष्कर्म और महिला हिंसा पर। महिलाओं ने बहुत उन्नति की है, समाज में की सोच में परिवर्तन आया है, हमारे पुरुष साथियों भाइयों के सोच में परिवर्तन आया है, ये तो सच है, मगर उसके बाद भी अभी हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है। पर उसमें एक चीज़ का परिवर्तन हुआ है
कि जो लड़ाई थोड़ी सी महिलाएं लड़ रही थी उस लड़ाई को या उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अब बहुत बड़ी संख्या में एक महिलाओं की लंबी कड़ी खड़ी है समाज के अंदर। पिछले 20 वर्षों में सर मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 20 वर्षों में जो ये संचार के माध्यम से जो महिलाएं जुड़ी हैं उससे जुड़ने के साथ ही महिलाओं में बहुत बड़ी क्रांति हुई। अखबार इत्यादि ने ले लिया वो स्थान और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारी जो तकनीकी क्रांति हुई है उसमें अब वो स्थान जो पहले पशु पक्षी थे अब वो फैक्स उसके बाद पहले टेलीग्राम हुए टेलीफोन्स हुए उसके बाद फैक्स आए उसके बाद मेल ईमेल और इसके बाद अब जो नया संसाधन उपलब्ध हुआ है वो है कई तरह के ऐप्स। ये सभी लोग जानते हैं इंटरनेट के ज़रिए व्हाट्सएप है फेसबुक है इंस्टाग्राम वगैरह ये सारी क्रांति जो हुई है वो संचार क्रांति हुई है। लेकिन इस संचार क्रांति में का जो हम असर देखना चाह रहे हैं कि ये महिलाओं के व्यवहार पर किस तरह से हुआ है तो हम देखते हैं कि ये व्यवहार परिवर्तन जो हुआ है वो महिलाओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से हुआ है। अभी ये व्यवहार क्या चीज़ होती है अगर इस बात पे हम जाएंगे तो पता तो सभी को है कि व्यवहार क्या होता है। व्यवहार जो होता है वो एक अपनी आदतों का संग्रह होता है जिससे कि हमारा व्यक्तित्व बनता है और जो आदतें बनती हैं वो हमारे ट्रेट्स से बनती हैं जिन्हें कि हम गुण कहते हैं। तो गुणों को अगर हम अच्छी तरह से न डेवलप करें तो वो हमारी आदतें बन जाएंगी और वो हो सकता है कि गलत आदतें बन जाएं और वो हमारे व्यवहार में परिवर्तित हो जाएं। पुरुष होने का जो अस्तित्व बना है वो किसने दिया? महिला ने दिया। ये भी आता है कि भारी कौन है, नर भारी है या नारी भारी है? तो शास्त्री कहते एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी है। मतलब मैं आपका वजन बता रहा हूं, पुरुष ने आपको यदि नकार के रखा है तो आपको आपकी ताकत क्या है, आपका वजूद इस ब्रह्मांड में क्या है यह बताने जा रहा हूं। हम जिस पृथ्वी के अंदर अस्तित्व में हैं पूरी मानव जाति उसको धरा बोलते हैं और धरा की धारिणी कौन है, धारित्री कौन है, वो स्त्री है। ऐसा कहा गया है कि सिंस गॉड कुड नॉट हैव बीन एवरीवेयर सो ही मेड विमन। ईश्वर में वो क्षमता ही नहीं थी कि पूरे विश्व में घर घर में जाके सबके सामने एक ही समय पर खड़ा रहे, इसीलिए मजबूरन उसने अपने देवदूत अपने प्रतिनिधि महिलाओं के रूप में बनाए हैं कि जहां पर भी महिला खड़ी है वो ईश्वर की तरफ से आई है। आज अगर कोई महिला करे कि हमें अधिकार और पहचान नहीं मिली है तो जयशंकर प्रसाद तो कामायनी में लिख गए। जिस दिन इस भारत की सांस्कृतिक प्रज्ञा शुरुआत में जगी थी, पूरे विश्व का गुरु जब भारत कहलाता था, उस समय के लोगों ने, उस समय के पुरुषों ने, महिलाएं कम लिखती थी उस समय के पुरुषों ने जिसमें जयशंकर प्रसाद भी थे, उन्होंने क्या लिखा महिलाओं के बारे में कि महिलाएं क्या होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द विमेन आर, समझना उनकी दो लाइनों से समझ लो। दिक्कत यह हो गई, पुरुष ने कभी भी स्त्री के अस्तित्व को झुठलाया नहीं, प्रॉब्लम यह हो गई कि स्त्री ने खुद अपने को पहचाना नहीं। जब पुरुष ने 4-5 हजार साल पहले यह लिख दिया क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां नेचुरली देवता लोग घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं, इतना अच्छा माहौल हो जाता है, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती सम्मान नहीं होता, उनके अस्तित्व का संकट होता है, चाहे देश हो चाहे समाज हो चाहे जाति हो चाहे परिवार हो, वो घोर नरक में जाता है, गर्त में जाता है। यहां से हमारी संस्कृति शुरू हुई है। दिक्कत क्या हो गई, पुरुष तो कहता रहा मंचों से लेकिन स्त्रियों ने उसको समझा नहीं, वो अपने को जस्टिफाई नहीं किया, अपने को स्थापित नहीं किया। काश कर लिया होता तो जयशंकर प्रसाद जी को ये बात कहने की फिर आवश्यकता नहीं होती।
नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर महिला चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। संगठन अध्यक्ष डॉक्टर मयंक साहू की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में एसोसिएशन पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद थे। मैं चादरा में डीएमटी कर रहा था एंड प्री लीडिंग प्रैक्टिशनर वहाँ पर थे, जान पाकर उनको भी थोड़ा मुश्किल करना पड़ता है, आदत आ गई, आदत में आ गया है, मतलब दिस आर द वर्ड्स ऑफ दैट सीनियर डॉक्टर। सो फॉर दैट डेफिनेटली हर लेवल पे हमें जरूरत है उसकी अवेयरनेस की और सारी चीज़ों की। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक सर। आज नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक सूर्य होटल में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कि महिलाओं को ये एक संदेश दिया गया जिसमें कि सभी प्रकार की महिलाओं को नारी एवं पुरुष के साथ समानता का अधिकार देने और उसके साथ साथ आज हम कहीं तरफ देखते हैं कि महिलाओं में घरेलू हिंसा के मामले अभी भी आ रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य से भी देखें तो हम आज पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक कम है। दुनिया के कई देशों में पदोन्नति के मामले में महिलाओं की संख्या जो पुरुषों से कम है, स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफ़ी अधिक कम है। हम ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उद्देश्य महिला दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि उनको पुरुषों के समान अधिकार दिया जाए और साथ ही साथ उनके भव्य उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना ये महिला दिवस का बहुत उद्देश्य होता है। आज हम पूरे देश में 109वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई थी। नर्मदापुर शिक्षा एवं जन कल्याण समिति द्वारा टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सिलाई तथा ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर चुके अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कविता यादव, पूजा कराड़, निशा संयाम, लीना सूर्यवंशी, लक्ष्मी वर्मा जी, निकिता चंद्रवंशी, मौसमी मालवी, संगीता वर्मा, उत्कृष्ट कार्य के लिए हम यहाँ पर अतिथियों के द्वारा सर्वप्रथम भारती साहू जी को आमंत्रित काफी ग्रहण करेंगे। ये करेंगे बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। ये अभी आपको इसलिए भी कहते हैं हमारे नर्मदापुर जन कल्याण समिति में आज लेडीजों के महिला दिवस के उपलक्ष्य में कोई महिला जो सिलाई पार्लर कोर्स कर रही थी उन लोगों को हम लोगों ने डिप्लोमा प्रदान किया है। महिला सशक्तिकरण ने उनको बताया है कि महिला शक्ति कितने आगे बढ़ सकती है, बस इसी द्वारा अपने महिलाओं में अपनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास। नाम आपका? मैं दीपिका साहू। जब हम खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहें सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम,
दो एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, दो भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, तीन बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान चार फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स, यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गौंडवाना महासभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। ये मैंने लेटर भी लगाया, अगर वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, आपकी तरफ से निवेदन कर लेते हैं, आप लिखे ना जी जी, तो आज उसको राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाए। आपको तो वो करना पड़ेगा, कलेक्टर साहब। हाँ, हम लोग निवेदन ये कर रहे हैं, हम नगर निगम में कभी, हम लोगों ने हमारे समाज में कभी दखल अंदाजी नहीं की। अगर इसका नाम, इस पे कार्रवाई नहीं होती है, पूरे जिले के पूरे आदिवासी, मैं महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ, आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, और बड़ा देव का अपमान जहाँ पे होगा, हम लोग हमारे यानी सोई हुई जमीन को जगाने की कोशिश ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे समाज, हम लोग भोले भाले समाज के लोग हैं, अगर वहाँ पे शासन प्रशासन अगर विफल होता है, अगर शासन प्रशासन विफल होता है तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पेन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बड़ा पेन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। भारतीयों के देवस्थान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो। इमरान राणा में बड़ा देव का स्थान है, जहाँ पे हमारे आदिवासी समाज की आस्था जुड़ी हुई है। लगातार 50 वर्षों से हमारे बुजुर्गों द्वारा, हमारे समाज के द्वारा वहाँ पे कार्यक्रम किए जाते हैं और पूरे जिले भर से हमारे लोग वहाँ पे आते हैं। पर अभी कुछ दिन पहले कुछ असामाजिक भू माफियों द्वारा उस स्थान पे कब्जा किया जा रहा है और हमारे गोंडी धर्म ध्वजा, सतरंगी झंडों को उखाड़ के फेंक दिया गया। हम लोग बोल नहीं रहे, हम लोगों ने उनको समझाया, इसके पूर्व भी हमने शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया, आवेदन किया, कलेक्टर जन सुनवाई में दिया,
तहसीलदार नहीं सुन रहा, कलेक्टर नहीं सुन रहा, नगर निगम में बैठे पदाधिकारी नहीं सुन रहे। अगर वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता और उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता तो आगामी समय में लाखों की संख्या में आदिवासी समाज आएगा और इन लोगों से जवाब मांगेगा। जुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में परतला क्षेत्र में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान और नगर अध्यक्ष सागर ब्योत्रा सहित पदाधिकारी व क्षेत्र की महिलाएं मौजूद थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस जो करती है वो शायद आपने देखा होगा, हम फालतू झूठे वादों में ये नहीं करते। जैसे आपको बोला हुआ था कि पट्टों का काम हो रहा है, निश्चित बता रहा हूँ, ये मंच से बोल रहा हूँ कि 109 पट्टे का काम हो रहा है, है ना? लेकिन हर चीज का एक समय होता है, समय के साथ ही सब कुछ होता है। मैं आपको ये आश्वासन दूं कि 8 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, काम होते हैं। और आप थोड़ा विश्वास बना रहे हैं, चुनाव है, चुनाव ने हमको समय नहीं दिया, बीच में कमलनाथ जी का चुनाव था, आप लोगों ने सबने अभी 4500 पट्टे बांट चुके हैं, 109 पट्टे अपने यहाँ के अभी कार्यरत में है, बहुत जल्द वो भी स्वीकृत हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विगत अपने दीपक भैया का चुनाव था, आप लोगों की मेहनत से हम लोग बूथों से अच्छे वोटों से जीते, जिसमें आप लोगों का भी विशेष सहयोग रहा है। आने वाले समय में माननीय नकुलनाथ जी सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं, हमारे स्वभाव की बात है कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की वोट हम लोग डाल रहे हैं, है ना? दो मशीन रहेगी, एक माननीय कमलनाथ जी को वोट देना है और एक दूसरा नकुलनाथ जी को वोट दे दें। ये छिंदवाड़ा के लिए गर्व की बात है, ये सोचो कि आप वोट अपने आप को डाल रहे हैं, आप सब मुख्यमंत्री हैं। रही बात काम करने की, बीपीएल कार्ड हो, श्रम कार्ड हो, इन काफी चीजें की है जो कि यहाँ पर आज भी लोग बैठे हुए हैं। इधर देखो, इधर देखो मैडम, क्या आती है अभी दे दी आने को जुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा आज महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर सभी को शुभकामनाएं दी गई एवं रोज भाईजान प्रदीप महाराज और महिलाओं का सम्मान किया गया। और हमारे तरफ से अथक प्रयास किए गए कि हम जो महिलाओं के लिए हो सकता है वो हर संभव कोशिश करेंगे, आने वाले चुनाव पे माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के लिए वोट देने, साथ ही भाई नकुलनाथ को सांसद बनाने की ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की ओर से आज यहाँ महिलाओं का सम्मान रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि आशा राय, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव, जनपद अध्यक्ष गमंडी जी, विनोद सूर्यवंशी जी, सागर बिहोत्रा जी, मंजू पाटिल जी, ज्योति रावत जी, गौरी राय जी और समस्त यहाँ परतला क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के लोग, एक महिलाएं उपस्थित थी। यहाँ बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया और माननीय कमलनाथ जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए एवं नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए संकल्प लिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में महिला दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन अध्यक्ष साहित्यकार हरनाम सिंह भट्टी सहित पदाधिकारी मौजूद थे। और हमारे पुराने समय में भी स्त्रियों का बहुत काम किए उन्होंने और हमारे देश को आगे लाने के लिए बहुत सारे साक्षरता अभियान में और अपने झांसी की रानी है, दुर्गा भट्टी है, अहिल्याबाई है, अपने सरोजनी नायडू है, आज़ादी की लड़ाई में भी इन लोगों ने अधिकार तो सब लोग बोलते हैं कि दे दिए हैं, लेकिन वास्तव में महिलाएं अभी भी उनको अधिकार नहीं मिल पाए। गांव की स्थिति बहुत, महिलाओं की बहुत ज़्यादा, एक तो महिलाएं बहुत सहनशील भी हैं, वो भी करती है, उसके बाद में भी उसको ये कहा जाता है कि अरे कुछ नहीं करती, यानी इस प्रकार से उसका तिरस्कार किया जाता है। कई महिलाएँ मानसिक रूप से अपने, इसीलिए अपने पति से परेशान, कोई सास से परेशान, कोई
और महिला दिवस पर हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें सुधार अगर हम लाते हैं, और ये सब सुधार पुरुष वर्ग के इसमें ज्यादा है, महिलाएं भी सुधार करें। अब हमारे ये हमारे जैनिया समाज के उधर ऐसा करो गुलदस्ता है डेरेंस इन डिग्री कॉलेज में इंडियन डेंटल डॉक्टर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समस्त यहाँ पे उपस्थित छात्र छात्राएं एवं स्टाफ, जैसे आप लोग को निरीक्षण करवाने हैं, यहाँ टीम बैठी है डॉक्टर्स की, तो आप लोग करवा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन बिहाइंड इट, आपने सुना होगा ये चीज। और ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन बिहाइंड इट, ऐसा कभी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि एक पुरुष के पीछे उसके बचपन से लेके उसके बड़े होने तक हमेशा एक महिला किसी ना किसी रूप में उसके उसके साथ खड़ी है, उसको उंगली से पकड़ के चलाने से लेके उसको डॉक्टर बनाने से लेके इंजीनियर बनाने से लेके सबसे ज्यादा जिसका जो योगदान है वो उनकी मम्मी है, माँ। और मैं सिर्फ आज के दिन में अपनी मम्मी को भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि जो कुछ भी आज हम हैं, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी अपने अपने फील्ड में ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से ही आपके बीच में बच रहे। पापा भी रहते हैं, लेकिन पापा जनरली एटीएम का काम करते हैं, आपको मालूम है। लेकिन एनकरेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एक पौधे से लेके बिल्कुल, जो कहा गया है कि एक जो बीज रहता है, एक पौधा जो रहता है, जब वो छोटा रहता है उसमें पानी डालने से लेके उसके बड़े होने से लेके उसके खुद एक फल बनाने तक जिसका काम है वो एक माता है। और आप सबको वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे, आई विश यू अ ऑल वेरी वेल। पर अभी भी गांव का हो या शहर का हो, कुछ ऐसी जगह है जहां पे महिलाओं को कुछ दिनों के लिए, जो महिलाओं को हम दूर रखते हैं कि भाई अभी भी महिलाओं को बराबर लाने के लिए, हमें उन्हें समान अधिकार देने के लिए कुछ चीजें हैं जिसको हमें अपने इसमें रखना है। जैसे अभी भी हमारे घरों में 5 दिन तक के महिलाओं को, बच्चों को खाना नहीं बनाने दिया जाता, ये भी यदि हम बराबर रखें कि ये कोई पुरानी वो नहीं है, इन्हें हम अपने इसमें रखें कि भाई इनको खाना बनाने या एक शारीरिक चीजें हैं, इसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि इसको और भी कदम रखा जाए। दमोह से अपने मायके छिंदवाड़ा पहुंची एक समाज सेवी महिला पत्रकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जागरूकता का परिचय देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में शहर की कर्मठ महिलाओं का सम्मान किया। मैं वैसे अपने जिले में आई हूँ, दूसरे जिले की जरूरत नहीं है। आज के दिन दमोह जिले से हूँ और हिंदुस्तान समाचार से हूँ। आज मैं यहाँ एक मैरिज में यहाँ आई हुई हूँ और आज महिला दिवस भी है। मैं अपने ज़िले में ये कार्यक्रम हर महिलाओं के साथ मिलना जुलना मैं हमेशा करती रहती हूँ, पर आज ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य बात है कि मैं अपने मायके में आज मैं अपने ज़िले की महिलाओं से मिल रही हूँ और सभी का सम्मान कर रही हूँ।
आज के दिन सभी समस्त महिलाओं को मैं एक दिन बोलना चाहती हूँ, वो जहाँ भी रहें हम एक दूसरे के साथ हमेशा सम्मान करते रहें, और सभी समस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, राजीव भवन में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। कानूनी जानकारियां देकर महिला सशक्तिकरण के जागरूक प्रयास, विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला अधिवक्ता संघ द्वारा संगोष्ठी। भारत मंगल भवन में महिला दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम योजनाओं की दी गई जानकारियां। और संगोष्ठी में बुद्धिजीवियों ने व्यक्त किए विचार, महिलाओं के जीवन पर सोशल नेटवर्किंग साधनों के प्रभाव पर चर्चा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हाँ, मेरा हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।